तो शुरू करते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी जो है आज डे है 37/2022। तो आज जो है मेरी सफ़र जो है भोपाल टू आगरा होने वाला है, जो अनप्लान्ड है। मेरा आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हमने सोचा कि कहीं चलते हैं। प्लान तो था दिल्ली का, लेकिन जो है अचानक से प्लान में चेंज आया, फिर अब मैं आगरा के लिए निकल और हमारा कुछ ऐसा लुक। लोग स्टेशन आ चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है 11:30 बजे आएगी। तो अभी वक्त हो रहा है 11:15, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो एक्साइटेड, तो चलते हैं देखते हैं कैसा है आगरा, आगरा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी जो है ट्रेन के अंदर एंट्री होगी हमारी। अब कुछ चलिए फिर मिलते हैं आगरा। और अभी जो है वक्त हो रहा है सुबह का 6:42 और हम आगरा पहुंच गए। सफ़र जो है बहुत ही अमेजिंग रहा। मुझे एक बर्थ मिल गया था तो रात में जो है मस्त सोते हुए आया हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ और ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो देखिए क्या होता है। और फाइनली आगरा छावनी से जो है अब हमारा सफ़र शुरू होता है रूम ढूंढने का। फिलहाल कहाँ जाना है अभी नहीं पता। और ये हमारे देश का गौरव तिरंगा। तो आप जैसे ही स्टेशन से नीचे उतरते हो तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑटो वाले और रिक्शा वाले जो है आपको कहेंगे कि होटल दिला देता हूँ, होटल दिला देता हूँ। तो उनके साथ जो है आप होटल के लिए जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनका जो है टाइम होता है होटल वालों के साथ, तो वो जो है एक्सपेंसिव होटल ले जाएंगे और आपका जो है ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। अगर आप बजट में ट्रिप करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्रिफेयर करें। सोलो के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि हॉस्टल, तो आप हॉस्टल जा सकते हो। हॉस्टल में आपको जो है चीप एंड बेस्ट मिल जाएगा और नए नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं जिस हॉस्टल में रुका था वो ये है जॉयज हॉस्टल। तो यहाँ से मैं आपको अंदर विजिट कराता हूँ, घुमाता हूँ। ये है जॉयज हॉस्टल, रिसेप्शन है इनका, प्राइवेट रूम और फिर बेड डोमेट्री भी मिल जाएगा। तो ये इनका जो है कॉमन एरिया है, दिस इज़ द कॉमन एरिया। और यहाँ पे आप बस चिल वगैरह कर सकते हैं। ये है 8 बेडरूम का, यहाँ पे जो है आपको AC मिल जाएगा और आपको प्राइवेट कैबिन मिल जाएगा। यहाँ पे फिर लॉकर नहीं मिलेगा। और ये बेड है, और मुझे जो है बेड मिला था वो ये वाला है, कुछ इसका हाल ऐसा। ये 8 बेड है और इसका वॉशरूम एंड मेवा एंड अब्दुलरहमान है। और ये जो हॉस्टल है जॉयल हॉस्टल, तो यहाँ का जो मुझे रेंट पर आए 370 रुपीज़ विथ टैक्सेस फॉर वन डे, एक दिन के लिए 370 रुपये हमारे बेड का पर है, जो जेन्यून है। और आप अपना रूम लेना चाह रहे हो तो आपको जो है 1200, 1500, 1600, 1700, 1700 रुपये पड़ेंगे। और मैंने यहाँ इनका कैफ़े भी है जहाँ पे शाम में आप चिल विल कर सकते हो राहल का व्यू के साथ। अभी मैं कॉमन एरिया में, यहाँ पे TV लगा हुआ है और इधर जो है बस चिल करके बैठने का। अरे इस वाले हॉस्टल्स में ज़्यादातर फॉरनर्स लोग हैं। यहाँ पे जो है जॉयज हॉस्टल जो है ये है फ्रंट व्यू, और मैंने अंदर का आपने कॉमन एरिया देखा। मैं अभी यहाँ रुका हूँ और इस साइड भी जो है जॉयज हॉस्टल ही है, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा। बाहर से कुछ ऐसा है लेकिन अंदर की तरफ आपको मैं ले कर चलता हूँ। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। इंग्लैंड? या। Where are you from? India. India. Nice to meet you. And ये है कुछ यहाँ का सिटिंग एरिया, और इधर जो है आपको
टीवी मिल जाएगा. हेलो, वेयर आर फ्रॉम? आई एम आयरलैंड, यूके. ओके, व्हाट्स योर नेम? जुअल. जुअल, व्हाट्स योर नेम? आई एम फ्रॉम इंडिया. अब्दुलरहमान. अब्दुलरहमान, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. और यहाँ से जो है आपको ऊपर जाने का जो है वो मिल जाएगा सीढ़ी, जो यहाँ इनका मेन जो व्यू का जो कैफे है उसके लिए जो है फेमस है जॉयस. तो ये व्यू आपको कहीं से नहीं मिलेगा मैं जो दिखाने वाला हूँ. और ये है यहाँ पे आपको अराउंड हर एक कंट्री का जो है फ्लैग मिल जाएगा. और ये लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स आते रहते हैं. अभी जो मैं व्यू दिखाने लेके जा रहा हूँ, एक्चुअल जो है प्राइस जो है यहाँ का वो व्यू का ही है. व्यू की वजह से जी ये चॉइस जो है फेमस है, क्योंकि ये व्यू आपको कहीं से नहीं मिलेगा जो इस होस्टल से मिलेगा. ये तो आपको यहाँ पे बूफे सिस्टम मिल जाएगा और बूफे नाश्ते का जो है 215 है. और ये कुछ इनका मेन्यू, तो देखता हूँ मैं अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ. और ये इनका कैफ़े है और उस साइड भी रूम है. तो ये है कैफ़े इनका. और यहाँ से जो है व्यू देखिए आप, सामने जो है ताज है, ब्यूटीफुल. और यहाँ से जो है आप ताजमहल को जो है व्यू को एंजॉय कर सकते हैं. और साथ साथ जो है आपको यहाँ पे कैफ़े एरिया मिल सकते हैं. ये है इनका कैफ़े एरिया. और ये व्यू की वजह से ये जो है जॉयज हॉस्टल जो है फेमस है. हमारे सामने देख सकते हैं ताजमहल और यहाँ पे सिटिंग एरिया है अमेजिंग. आप यहाँ से बैठ के ना क्या ही प्यारा व्यू आता है वो भी रात का. तो रात में यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह सारा है सिस्टम, आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो. मतलब कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन है और नो डाउट आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकावट वगैरह नहीं होगा. तो आई होप कि आप यहाँ पे अगर आगरा आते हो और आपको सस्ते में अच्छा सा और चिल करने के लिए और फिर एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ जो है मुमताज के साथ आपको एंजॉय करना, तो आई थिंक कि जॉय बेटर है, क्योंकि जॉय के जैसा व्यू आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा. और जॉयज में जो है बहुत सारे लोगों ने अपने अपना, किसी ने इंस्टा डाला है, किसी ने कुछ डाला, तो मैंने सोचा मैं भी जो है यहाँ पे अपने यूट्यूब का जो है वो डाल देता हूँ नाम. तो मैं यहाँ पे जो है जगह ढूंढ रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, सारी जगह तो लिखी हुई. देखता हूँ. और मैंने भी यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल दिया, अब्दुलरहमान. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो मैंने भी सोचा कि कुछ लिख दिया. और मैं यहाँ पे जो है अपना इंस्टाग्राम डाल देता हूँ. यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट डाल देता हूँ. और यहाँ मैंने YouTube का अपना वो डाल दिया चैनल नेम. और मैं यहाँ पे अपना Instagram का डाल दिया हूँ, Rahman 0313. और फाइनली जो है अभी हम हॉस्टल में, और ये हमारे सामने का व्यू. और यहाँ पे मैं अभी चाय इंजॉय कर रहा हूँ. और ये कुछ सीन है.